जिसकी बात कर रहे थे उस ड्रीम को जगाने के लिए, और वही बात करेंगे कि हम इन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक शानदार पर्सनैलिटी कश्मीर से, मेरी ग्रेट अपलाइन जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस के अंदर और आज भी सीखता हूँ, आपकी जोरदार ताली के अंदर मिस्टर जावेद भट्ट। करता हूं जैसा अभी सतवंत जी मेरे बारे में बोल रहे थे, और पिछले कई साल से मैं इस अजीम कंसेप्ट का स्टूडेंट हूं, इस बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, अभी सीख रहा हूं और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यह बिजनेस क्या देगा आपको वो बिल्कुल आपको पता चलेगा, लेकिन मेरी जो यहां पर जिम्मेदारी है, मैं ड्रीम के बारे में आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। आर यू रेडी? तो असल में अगर हम देखेंगे कि ये बिजनेस ड्रीमर्स लोगों का ही बिजनेस है। अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है और वो इन्वेस्टमेंट आपसे काम करवाता है। क्या अरसे में कोई इन्वेस्टमेंट है? नो। इस बिजनेस को जितना करना आसान है उससे कई गुना इसको छोड़ना आसान है। मानते हो इस बात को? Yes. अब सफल जो लोग होते हैं इस बिजनेस में, जो बड़ी बड़ी लेवल्स पे आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसमें एक ही कारण होता है जो उनसे काम करवाता है, वो उनका सपना होता है। और सपना ही आपसे काम करवाएगा। अगर आपका ड्रीम हल्का है तो कहीं ना कहीं एक दो तीन चैलेंज देख के आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो मैं गारंटी करता हूं कि इस बिजनेस के डायमंड आप जा सकते हो। बिजनेस में जो सपना होता है ये बिल्कुल एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए बन जाता है। जब आप थके हारे घर आ जाते हो तो आप बिल्कुल लग रहा है आपको कि मैं काम पे नहीं चला जाऊंगा, लेकिन जो ही आपकी नजर आपके सपने पे पड़ जाती है, जो ही आपके अंदर आपका सपना आ जाता है, वो सपना आपको बैठने नहीं देता। किसी ने क्या खूब कहा है, ड्रीम इज नॉट विच वी सी इन स्लीप। सपना वो नहीं होता है जो हम नींद में देखे। ड्रीम इज दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो होता है जो आपकी नींद उड़ा देता है, जो आपको सोने नहीं देता है। और एक सपना मेयर एक सपना होता है, लेकिन अगर उस सपने के सामने गलती से डेट लग गया तो आपका चांदी ही चांदी हो गया, उसको गोल माना जाता है, उसी को गोल कहा जाता है। सपना कभी पूरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सपना बंद आकर के भी देख सकते हैं, और सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जिस दिन आपने सपने को गोल में कन्वर्ट कर दिया, आप मान लो कि आप इस बिजनेस के बड़े स्टार बन गए। आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, किताब सामने लेते हैं तो नींद आ जाती है। 15-20 मिनट बुक सामने रखते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो आईएएस की नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके सामने उनका लक्ष्य, उनका गोल होता है, और वो गोल उनको बैठने नहीं देता है, वो गोल उनको बिल्कुल कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं डालता है।
तो सपना ही सब कुछ है इस बिजनेस में। अगर आपके बड़े सपने हैं तो बड़ी कामयाबी है, अगर छोटे सपने हैं तो छोटी कामयाबी है। और सपने में ये जो मैंने ड्रीम की बात की, जो भी सपना आपको लेना है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बड़े सोच का है। इसमें आपकी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। आप बिल्कुल डरना मत, सपने देखने से बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जो भी दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं वो पहले कहां से हुए हैं? यहां से हुए हैं। और ये जो हम इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, जो हम आज से बिजनेस की मीटिंग करते हैं, जो हम अपलाइन की काउंसिलिंग में आ जाते हैं, जो हम बुक्स पढ़ जाते हैं, तो इससे हमारा सपना बाहर आ जाता है। जिस दिन आपका सपना बाहर आ गया तो हम कामयाब है, और सपना ही ड्राइविंग फोर्स आपका बन जाता है। तो सपने के लिए हम बिल्कुल काम करते हैं, और वो सही वही सपना हमारे लिए काम हमसे काम करवाता है। बहुत सारे साथी बिल्कुल उनका यही होता है कि आई डू नॉट नो वेयर आई एम गोइंग, पता नहीं है। आप देखिए कि एक एनवेलोप होता है, एक लिफाफा होता है, बिना एड्रेस का एनवेलोप कहां जाएगा? वो पहुंचेगा कहीं? कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक, अगर आपका लक्ष्य, आपका डेस्टिनेशन आपको पता नहीं है, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे रेस के घोड़े साबित नहीं हो सकते। आपको अपने इस बिजनेस के जो आपका ये जो अपलाइन है उसके साथ बैठ के अपने सपने को बाहर निकालना है। और सपने में जो आपका जो गोल सेट हुआ है, उसको तीन तरह के गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, मिड टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म गोल जो हम बिल्कुल आफ्टर 5 ईयर के प्लान के बाद हम कोई बड़ा सा गोल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म से पहले जो मैंने मुकेश कुठारी सर से सुना है कि दो टाइप के गोल होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो गोल्स। आज दिन में मुझे क्या करना है, हर किसी नेटवर्कर का यही होना चाहिए कि आपका काम टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। बिल्कुल आज दिन को मुझे क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, अगर आपके सामने आज दिन का होमवर्क आपके पास है और आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये छोटी मोटी बिजनेस तो कहीं नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। हम इस बिजनेस में बड़े सोच के लिए आए हैं। मैं इस बिजनेस में पागलों की तरह क्यों आया हूं? मैं भी गवर्नमेंट से, मेरे लगभग 1 लाख प्लस की सैलरी आती है, हम दो, हमारे दो इतने फैमिली साइज है, एग्रीकल्चर सोर्सेज भी है, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को सीरियसली क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो मेरा सपना है, मुझे पता कि मेरे जॉब से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मेरे ड्रीम जो मेरे गोल्स हैं वो मेरे पूरे नहीं होंगे। आज तक किसी भी मेरे प्रोफेशन के साथी ने उस जॉब से फॉर्च्यूनर कार नहीं लाई है, उस जॉब से किसी के घर में BMW नहीं आई है। तो मेरे घर में आ सकते हैं? नो, सेम वर्क सेम रिजल्ट। आपके पास वही रिजल्ट होंगे जो आपके बाकी काम करने वाले लोगों के पास होंगे। अगर आपके काम करने वाले साथी के पास किसी के घर में फॉर्च्यूनर कार आई है 40-50 लाख की, अगर किसी के घर में मर्सिडीज कार आई है 1 करोड़ की, तो आपके चांसेस बनते हैं। अगर नहीं आए हैं तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा। और यहां ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यहां पे बिल्कुल आप इतिहास गवाह, बिल्कुल देख सकते हो कि जो नंगे पांव चल रहे थे, आप हजारों में, पूरे वर्ल्ड में हजारों में ऐसे लोग हैं जिनके खुद के एयरक्राफ्ट हैं, जिनके खुद के हवाई जहाज हैं। आज हमारी अपलायंस मर्सिडीज में, BMW में, रेंज रोवर्स, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। ये पावर ऑफ नेटवर्क है, क्योंकि इस नेटवर्क से आपको एक अनलिमिटेड मिलता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका सपना जरूरी है, क्योंकि जो फ्यूल है, जो आपके काम जो करवाएगा आपसे, वो आपका सपना होगा, और वही सपना आपको आगे लेके जाएगा। और सपना जो ड्रीम होगा, ये लिखित में होना चाहिए, इट मस्ट ऑलवेज बी रिटन। हम बहुत सारे कहते हैं कि हाँ मेरे सपने हैं, वो माइंड में, हम हो सकते हैं कि आप ये चीज देखना कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ऊपर वाले ने एक इंसान को सबसे जो ताकत बख्शी है वो उसी सबकॉन्शियस माइंड को बख्शी है। और सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को पकड़ता है, जिस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो चीज होता है। अगर आपने आज विजुअलाइज किया, आप आज ने विजुअलाइज किया कि मुझे डायमंड, मैं बन रहा हूं, मैं बन गया हूं डायमंड, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड से नहीं रोक सकती है। सबकॉन्शियस माइंड है, ये कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ये पास्ट या फ्यूचर नहीं जानता, ये खाली इमेजेस को समझता है, जो तस्वीरें होते हैं, जो शक्लें होते हैं उनको समझता है, और ये खाली प्रेजेंट को समझता है। इसका ना कोई पास्ट होता है, ना कोई फ्यूचर होता है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसे पकड़ेगा आपको, आपके ड्रीम को, जब आपके आंखों के सामने वो सपना होगा। सुबह सबसे पहले जागने के टाइम
जिस चीज पे आपकी पहली नजर पड़ेगी वो आपका सपना होना चाहिए, और वो सपना रिटिन में नहीं, उसकी इमेज होनी चाहिए, उसकी पिक्चर आपकी आंखों में आनी चाहिए। बार बार आपकी आंखें उस पिक्चर पे जाएंगी, पिक्चर पे जाएंगी, और डेफिनेटली वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ सबकॉन्शियस, आज NLP के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के प्रोग्राम्स होते हैं कि कैसे एक आम व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता कि ऐसे प्रोग्राम्स देख लिए। 21 डेज के एक ड्यूरेशन के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते जब उसको अपना सपना सामने आता है। फिर आपको 18 घंटा काम करना काम नहीं लगेगा, फिर आज से बिजनेस आपको काम नहीं लगेगा, ये आपको आनंद यात्रा लगेगा, ये आपको काम नहीं लगेगा। आपको रॉयल ट्यू टेक्निकल जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन आपको अपना सपना रिटिन में कहां कहां होना चाहिए। बेडरूम, जब आप सुबह बेड से उठते हो तो आपके बिल्कुल बेड के सामने आपका सपना होना चाहिए। वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी कार हो सकती है, वो आपका बिल्कुल आलीशान कुछ भी लाइफस्टाइल के रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ भी फिगर आपके सामने हो सकता है। तो पहली नजर आपके सपने पे आनी चाहिए। उसके बाद जिस गैजेट के साथ आप करते हो, मोबाइल फोन में जो वॉलपेपर, वो आपका सपना होना चाहिए। लैपटॉप पे आपका सपना होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर पे आपकी नजर होगी, वहां पे आपका सपना होना चाहिए। और आप लुकिंग मिरर में जहां आप सुबह अपनी तस्वीर देखते हो, अपने आप को देखते हो, वहां आपका सपना होना चाहिए। और जब आप कंटिन्यूअसली आपकी आंखों के सामने अपने सपने रहते हैं, आपके ड्रीम आपके सामने रहते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको उन ड्रीम्स को अचीव करने से रोक नहीं सकती। पागलों की तरह इस बिजनेस को कर रहा हूं। आपको पता है कि कश्मीर में बिजनेस करना एक कोई मामूली बात नहीं है। कई बार 6-6 महीने तक हमारा इंटरनेट बंद रहा, कई बार हमारी कॉल सर्विस बंद रही, और आज विंटर का इतना खतरनाक है कि आज हाईवे, नेशनल हाईवे भी बंद है। आज यहां पे आपको पता है, उस स्थिति में जब हम 5 बजे के बाद आज बिजनेस नहीं कर सकते, उस स्थिति में अगर कश्मीर से एक रूबी अचीवर निकल सकता है, तो यहां से हर गली में, हर गांव में रूबी अचीवर निकल सकता है। बहुत बार लाखों का बिजनेस जीरो पे आ गया। मुझे पता है कि जब मेरा एमराल्ड हुआ था, तो एमराल्ड लेवल पे मेरा लगभग 79 लाख का बिजनेस हुआ था, 79 लाख का बिजनेस हुआ था। फिर एक खतरनाक भयानक चले जा गया, 6 महीने तक बिल्कुल इंटरनेट बंद, मार्केट बंद, उसके बाद वही बिजनेस जीरो पे आ गया। लेकिन सपना था, एक ड्राइविंग फोर्स जो चलती आग अंदर थी, उस आग ने मुझे बैठने नहीं दिया, और बिल्कुल वही आग ट्रांसफर की थी अपने टीम के अंदर, और उसके बाद उस बिजनेस को फिर से उससे कई गुना आगे खड़ा कर दिया, और आज मैं आपके सामने एज रूबी अचीवर बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय ड्रीम। तो आपका सपना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सपने के सामने एक डेट लगनी चाहिए, तभी वो गोल बन जाता है। और गोल बिल्कुल माइक्रो गोल्स पे फोकस कीजिए सर। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये दिन कैसे गुजर गया। फिर एक दिन गुजर गया जाएगा, फिर एक हफ्ता गुजर जाएगा, एक हफ्ता गुजर जाएगा, इसी के साथ एक महीना हो जाएगा, फिर साल हो जाएगा, तो आपकी उम्र इसी तरीके से चली जाएगी जिस तरीके से 95% लोगों की चली जाती है। बहुत सारे लोग इस आरसे बिजनेस में आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में बिल्कुल स्टार रूबी लेवल पे जाते हैं। कारण क्या है सर? उनके सामने कोई टारगेट नहीं होता है, उनके सामने कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई ड्रीम नहीं होता है। पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। जब हमें यह भी नहीं पता है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस बिजनेस, मुझे इस सिस्टम से क्या चाहिए, जब हमें वो पता नहीं है, तो हम इस बिजनेस में आगे कैसे जा सकते हैं। तो मेरे साथियों, ये मुझे जो आपके साथ बात करनी थी, सपना बिल्कुल, सपने देखने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी है आपको, बिल्कुल सपना आपका बल्कि एक्सपोज करना है, लोगों को बताना है, मुझे इस बिजनेस से फॉर्चूनर कार लानी है,
मुझे इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी कोठी खड़ी करनी है, मुझे इस बिजनेस से अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना है, मुझे इस बिजनेस से अपना एक क्लास लाइफस्टाइल जीना है। जब आपके सपने एक्सपोज हो जाएंगे तब आपके नो रिटर्न ऑप्शन बन जाते हैं, तो आप नाकाम फिर नहीं लौटोगे। जो साथी इस बिजनेस के सपने एक्सपोज करता है, जब लोगों को पता चलते हैं, जब उनके यार दोस्तों को रिश्तेदारों को पता चलता है कि इसका ये सपना है, वो सपना फिर उसको बैठ नहीं देता है और वो उससे काम करवाता है और काम करवाते करवाते वो इस बिजनेस का स्टार भी बन जाता है। तो इस बिजनेस में रोल ऑफ कोर्स बहुत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक पे अगर ज्यादा बात करूंगा लॉन्ग टर्म गोल का क्या है और शॉर्ट टर्म गोल की क्या है और मिड टर्म गोल का क्या है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने टाइम नोट किया था, मेरे 14.5 मिनट हो गए सर, अभी 30 सेकंड मेरे पास है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना सपना बाहर निकालिए, ठीक है ना सर, और अपना गोल आज ही सेट कीजिए अपने अपलाइन के साथ। वो अपलाइन आपका गोल देखेगा, आपका स्ट्रक्चर देखेगा, स्ट्रक्चर के थ्रू वो आपका हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल आपकी रॉयल्टी हो सकती है कि मुझे 3 महीने के बाद अपनी रॉयल्टी चाहिए, मुझे गोल्ड पिन चाहिए, तो आपका स्ट्रक्चर देख के वो रोड मैप बनाएगा। जो ही आपके पास रोड मैप बन जाएगा फिर उस पर एक्शन होगा, जब एक्शन प्लान आपका हो गया तो डेफिनेटली आप गोल्ड पे आ जाओगे, प्लेटिनम पे आ जाओगे, धीरे धीरे आज पे फिर आप टेक्निकल लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद आप इस बिजनेस की जितनी भी पिन्स हैं उनको अचीव करोगे, प्रोवाइडेड कि आपके सामने एक गोल हो एंड दैट टू मस्ट बी रिटन। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बैक टू सतवंत।